तब कम से कम कांग्रेस को चुप रहना चाहिए, फिर बाकी दल बोले जो ऐसी गलती ना किए हो, ठीक, जो गुलगुला ना खाए हो वो गुड़ के खिलाफ बयान दे, जो गुलगुला खाए हैं गुलगुला वो तो गुड़ के खिलाफ बयान नहीं दे सकते। जब बीजेपी भी ऐसा बोल दे, मैं थोड़ी कहना नहीं बोलेगी, हो सकता मनोज की बात ठीक हो, बोल दे ठीक, तो कांग्रेस को तो मौन रखना चाहिए कि भाई ठीक है जो हम रास्ता दिखा के आए वो जीप चल रहे हैं, हम क्या बोले क्या। अगर सास ने कभी घर में खाना नहीं बनाया तो बहू नहीं बना रही तो सास आलोचना नहीं कर सकती ना, क्योंकि सास ने भी कभी नहीं बनाया, इतना तो समझना पड़ेगा। मिश्रा जी एक महत्वपूर्ण बात आई, बाकी तो ठीक ही ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात आई, समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा के ऐसे कदम विपक्ष को उस अपने आपस में दूरियां घटाने के ओर प्रेरित कर रहे हैं और विपक्ष में एकता की संभावनाएं बलवती। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं, विपक्ष में एकता किसी सूरत में नहीं बन सकती, ये लिख लो कागज पर, ठीक, भाजपा साइलेंट बैठ जाए तब भी नहीं बन सकती, और ईडी डबल ताकत से लठ बजाए तब भी नहीं बन सकती, उसके कारण हमको मालूम है, कभी अलग से उस पर चर्चा कर लेंगे, वो बन नहीं सकती। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा ऐसा योगदान दे रही है। दूसरी बात आई कि भाई मान लो पोस्टर लगाई दिए तो ऐसा क्या था कि मार कोहराम मचा दिए, 100-200-500 FIR ठोंक दो, बोले सारे घर के बदल डालूंगा, नहीं अमिताभ जी जी यहाँ पर पोस्टर में कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं लिखी थी, ऐसा नारा नहीं, तो नहीं, पर लगता ही है राजनीति में जी। मनोज जी अभी कह रहे थे विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है और जिसमें भाजपा और कांग्रेस को हटाने का प्रयास किया जा, पहली बात। दूसरी बात आपने कही जो कि पोस्टर का, तो एक चीज बताइए, आज अगर किसी भी तरह के नियम एक्ट रूल को अगर स्थापित करने के लिए कोशिश की जा रही है तो मुझे नहीं लगता जो कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन ये नैरेटिव सेट करने की बात है जी। आज आम आदमी पार्टी हल्ला कर रही है, आज उनको सब सपोर्ट करने की, अखिलेश यादव जी का भी नाम आया है, RJD का भी नाम आया है, आज सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शब्द किसी ने नहीं कहा जो कि इसमें जो एक्ट कह रहा है। अरे भाई KCR के परिवार की एक टांग और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की एक टांग तो आपस में बंधी है, मैं वही कह रहा हूँ, एक नैरेटिव वो भी सेट करने की कोशिश किया जाए जिससे जनता का प्यार इनको मिले, लेकिन ये जनता का प्यार लेने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं, इनको जनता से कोई मतलब है नहीं। 2014-19 में हम लोगों ने देखा है जनता का आशीर्वाद किस तरह से मिला हुआ है और किस चीज को किस तरह से कैसे नैरेटिव सेट करना है, गलती को गलती करना है, सही को सही कहना है, ये कहने की का हिम्मत किसी में भी नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने भले ही 2000 पोस्टर, आप मोदी हटाओ, भारत बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, कुछ भी करिए आप, इससे क्या फर्क पड़ जाता है, ये तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कोई भी किसी के अगेंस्ट में पोस्टर लगा सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई भी किसी के विरुद्ध में कह सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रूल को तो फॉलो करेंगे, लेकिन रूल को फॉलो करने के लिए कोई भी पार्टी आज कह रहे 56 इंच का सीना, अरे आप ही 65 इंच का सीना रखिए ना, लेकिन ये कहिए तो सही जो कि ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं कहा, एक भी पार्टी ने ये नहीं कहा जो कि ये नियम के विरुद्ध है, और भले ही आप पोस्टर लगाइए, आप किसी को भी हटाने का प्रयास करिए, जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। ठीक बात जी, दो बातें बड़ी साफ हैं भैया, एक तो पोस्टर आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, हिंदी में समझ लो, पोस्टर के नीचे छपाने वाले और छापने वाले दोनों का नाम पता देना होगा कानूनन, क्या वरना दरोगा की मर्जी है, अनदेखा भी कर सकता है और आपको अंदर भी कर सकता है, एक। दूसरा, पोस्टर बैनर होर्डिंग किसी ऐसी जगह अगर आपने लगा दिया कि उस आज जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसने अगर आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी तो भी आप भगवान का नाम लेके पहली फुर्सत में जेल जाएंगे, ये भी जान ले सारे लोग, इस बात से उसका कोई लेना नहीं देना नहीं कि कौन किससे डर रहा है। प्रशांत गढ़वी जी, क्या आपको लगता है जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जितना आक्रामक हो रही है उतना ही जो विपक्ष के दल हैं वो एक चुंबकीय आकर्षण में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ऐसी कोई संभावना दिख रही है आपको? क्योंकि विपक्ष की एकजुटता जो हम सोच रहे हैं या देख रहे हैं
वो कितनी फैक्ट है, क्योंकि एक तरफ ममता दीदी और अखिलेश जी इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं जा रही है, कांग्रेस को किनारे कर रही है पूरी ऑल विपक्ष, तो मतलब वो उनका एजेंडा क्या है वो अभी तक खुल के बाहर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात आप देखो, देखिए ऐसे पोस्टर पास्ट में भी हर जगह लगे, जैसे आपने गुजरात के एग्जाम्पल दिए, इंदिरा हटाओ देश बचाओ ऐसे भी पोस्टर लगे थे 77 में, इमरजेंसी के बाद भी लगे थे, तो उसका क्या हाल हुआ था सबको पता है। तो पोस्टर लगते हैं लेकिन पोस्टर लगाने के लिए फेयर पॉलिटिक्स वाली बात आप करो, अगर आपके मुद्दे सही है तो मुद्दों की भी तो बात करो। कभी आपने ऐसे लगा कि पेट्रोल के भाव क्यों 110 105 रुपया है, क्यों 90 75 नहीं होने चाहिए, ऐसे भी पोस्टर कोई लगा दो, कोई महंगाई के भी पोस्टर लगा दो, मतलब पार्टी के नाम पे। तो ओवरऑल फेयर पॉलिटिक्स वाली बात है, अगर आपके मुद्दे सही है तो जनता के बीच में अच्छी तरह ले जाइए। रहा सवाल विपक्ष के एकजुट, तो अभी तक तो ऐसी एकजुटता, और जो जो पार्टी एकजुट होने का ट्राई कर रही है वो रीजनल पार्टी है, वो अपने स्टेट के बाहर कहीं पर नहीं है। आप बताइए, मतलब समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, टीएमसी हो, केसीआर हो, वो अपने स्टेट के बाहर उतनी ऐसी प्रेजेंस ऐसी कौन सी है जी। बाकी मतलब बीजेपी कांग्रेस तो पूरे देश में छाई हुई है, वो सबसे बड़ी दो पार्टी है, वो लोग अपना काम करी, तो ये दोनों को किनारे किया जा रहा है और कांग्रेस भी इतनी साइलेंट है। मतलब ये अब ठीक है संसद में मुद्दे लेके जा रही है, चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता अभी तक तो वो नहीं है कि जो अपना गोल सेट कर पाए। ठीक है प्रशांत जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, क्या आपको यानी कांग्रेस को ऐसा लगता है, कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में एक जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया उसमें उसने लिखा कि अगर तीसरा चौथा मोर्चा बना तो वो भाजपा को लाभ देगा पूरे तौर पर चुनाव में। ठीक, दो ही फ्रंट होने चाहिए, एक कांग्रेस का फ्रंट एक भाजपा का फ्रंट, ऐसा उसने अपने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कहा। क्या आज की स्थिति देखकर ये बात अभी मोटे तौर पर कांग्रेस को समझ में आ रही है कि चार तंबू तो लगी गए, एक कांग्रेस के एक भाजपा का, एक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, ये सब लोग तीन, और चौथा नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, ये किसी के उसमें, और ममता बनर्जी और मायावती, ये लोग किसी के उसमें नहीं जा रहे, तो चार तंबू तो लगी गए रामनगरिया में। और आपने कहा था अपने सम्मेलन में कि अगर तीसरा भी बना तो भाजपा को लाभ मिल जाएगा, यहां तो चार तय हो गए मोटे तौर पर अभी तक। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, अमिताभ जी, तंबू कितने भी लगे और तंबू लगाने का हक सबको संविधान देता है, तंबू लग रहे हैं लगने दीजिए। और जाहिर सी बात है जितनी भी पार्टियां जिस जिन राज्यों में हैं सभी सबका राजनीतिक उद्देश्य होता है और उनको परिपूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। जब बात देश हित की होती है, हमेशा मैं इस बात को कहती हूँ कि परसेप्शन, आपने जो कि शुरुआत में परसेप्शन दिया तो मैं उसको उससे शुरुआत करती हूँ। अब ये लोगों की परसेप्शन है, हमने कहा कि अगर कोई, जब आप जानते हैं गुजरात में क्या हुआ, एक्चुअल में जो हम कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बटे, जानबूझ की चीजें ऐसे कर देते हैं कि जनता उसमें भ्रमित होके एक ही पाले में चले जाते हैं, ये हमेशा होता आया है। हम उसी की बात कर रहे थे कि जब भी ऐसा होता है, गुजरात में आपने जो किया, पंजाब में जो आपने किया, और वो जानबूझ के कहते ना कि नुरा कुश्ती उनकी अपनी होती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा अपने आपको पहुंचा रहे होते हैं इधर से या उधर से, हम उसी की बात कर रहे थे। लेकिन इस समय जो मुद्दे हैं, जिस तरह से नहीं, आपका ये कह रहे हैं कि भाजपा के आम आदमी पार्टी भाजपा की भी टीम है, ऐसा कह रहे हैं नहीं, पंजाब गुजरात की बात करें तो यही कहने सीधे बोलो जी। अमिताभ जी जी, जब जाहिर सी बात है कि जहां पे अपना फायदा हो वहां पे कुछ ना बोलो, जहां पे नुकसान हो रहा है वहां बोल दो। अगर आप ऐसे करेंगे राजनीति में, जब आप देश हित की बात नहीं करेंगे, और दिक्कत क्या हो रही है कि सारी पार्टियां जब बात हो रही होती है अपने हित की तो सब कुछ सरेंटली बहुत अच्छा लग रहा होता है, वहां पे देश की बात नहीं होती है, किसी चीज की बात नहीं होती। आप जानते हैं जब आप गलत का साथ देंगे तो वो गलत व्यक्ति आपके साथ भी गलत करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। मौजूदा सरकार के लिए देश कहीं भी मायने नहीं रखता है, कुछ लोग हैं जिनके हित में वो काम करता है, अगर उसकी पॉलिसीज पे कोई साथ में उसके खड़ा है तो वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने हित की बात कर रहा है वो दूसरे मिले। पवन शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आपने पंजाब में खेला किया कांग्रेस के खिलाफ, आपने गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ खेला किया। पूरी बात कर लो, आपने जो मुझसे प्रश्न किया था उस प्रश्न का मैं उत्तर दे दूंगी, अपना भी पवन जी आएंगे और मुझे बोलना होगा बोलेंगे। लेकिन जो देश हित की बात है, जिस तरह से इस देश में हर व्यक्ति के बातों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें सभी लोगों की भागीदारी साथ होनी चाहिए। ठीक है सुधा जी, चाहती ही नहीं है कोई एक साथ। ठीक, अब चुनाव
चुनाव होगा, हर आदमी वोट डालेगा, जाके अंदर उसमें बटन दबाएगा, ठीक है, पता लग जाएगा कौन किसकी आवाज बंद कर रहा है, उसमें काहे को अभी लठम लट्ठा करें।